हेलो गाइस, देखिए किस तरीके से पहाड़ों में गाय की गौशाला में उनके लिए पानी की व्यवस्थाएं करनी पड़ती हैं, किस तरीके से उनको चाटा कहा जाता है वो दिया जाता है। और पिले कहाँ, इस तरीके से गाय को आप फैलाएंगे। इस बेचारे को लेपर्ड ने अटैक कर दिया था, इसके हाथ जख्म देखे। उन लोगों को दोस्तों, जैसे पहाड़ों में आपको पता ही है पानी की बहुत समस्या होती है, तो हमें गायों को पानी पिलाने के लिए वो नीचे से गधेरे से पानी लाना पड़ता है। क्योंकि अगर आजकल जो है ना, मतलब गायों को खोलना नहीं है, क्योंकि आजकल बहुत लेपर्ड चाहे चीता कर कुछ भी, मतलब ये है कि उससे बहुत खतरा होता है यहाँ पर। और जो यहाँ है वो लेपर्ड, वो बूढ़ा है, वो मतलब बड़े गायों को तो अटैक नहीं करता, छोटे गायों पर अटैक कर रहा हो। कितनी हमारे गांव में कितने लोगों की छोटी छोटी बच्चियों को ले गया है, हमारी बच्चिया पर भी उसने अटैक किया। जो बच्चा मैंने आपको अभी दिखाई थी उस बच्चा पर अटैक किया, लेकिन ये इसकी किस्मत ये रही कि बच गया। शिशवान के बोर्ड हो रहे ना वहाँ पर नीचे, शिशवान इतना हो रहा है, क्या बताऊँ, रख देता हूँ ना, कल के काम आएगा। यही रख देते, अभी मैं आया हूँ, अम्मा कह रही थोड़ा तबीयत ढीली ढाली हो रही है, तो उसको दिखाने आया हूँ यहाँ जल्दी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। अभी इसका बैक साइड का बना के आपको दिखाऊंगा, अभी सब नाम वाम उल्टा दिख रहा है आपको। ये है दोस्तों जाली जिला अल्मोड़ा का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। एकदम शांत वातावरण है यहाँ का, देख सकते हैं आप, एक अच्छी लोकेशन पे हॉस्पिटल बना हुआ है आयुष्मान भारत की तरफ से। माँ को हॉस्पिटल दिखा के ला गया हूँ, अब हम जा रहे हैं घर को। कोई नहीं, हाथ पैर में कमजोरी, शुगर भी ठीक ही आ रहा है, बीपी भी ठीक ही आ रहा है, थोड़ा हाथ पैर में कमजोरी है, बुढ़ापे की अवस्था ठीक होता ही है, तो अभी मिलते हैं आपको आगे। जी, मैं घर पहुंचा, अम्मा को हॉस्पिटल दिखा के लाया, घर पहुंचा तो मम्मी ने नीचे से आवाज़ लगाई कि बच्चा भाग ले गया है। भाग नहीं लगो चो को कती वे अच्छी आमटी नहीं लगो। बड़े दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है, हमारी बच्चिया जिसको लेपर्ड ने अपना एक बार शिकार बनाया था, उसको लेपर्ड ले गया दोस्तों, हम उसको बचा नहीं पाए। और वो कौन सी जगह थी जहाँ से ले गया, हम आपको दिखाते हैं। मैंने यहाँ पर पहले वो यहाँ पर बता हुआ था, यहाँ पर मुझे लगा कि थोड़ा जंगल के पास है, तो मैंने उसको यहाँ से उठा दिया, और उठा के मैंने उसको स्थान पर बांधा यहाँ पर। मैंने कहा गाय चर भी लेगी, सब कुछ जाएगा, लेपर्ड का भी यहाँ पर खतरा बहुत कम रहेगा, तो पास में है, तो मैंने उसको यहाँ पर इस कुंडी पर बांध दिया था। यहाँ पर आया, उसने इस कुंडी से उसकी रस्सी खोली और उसको घसीटते हुए यहाँ से ले गया, इस रास्ते से ऐसे ले गया। और उस लेपर्ड को भगवान का भी डर नहीं था, यहाँ पर भगवान जी की धुनी है, यहाँ पर उसे घसीटते हुए ले गया। और यहाँ पर देखिए उसके बाल हैं, ये देख सकते हैं आप, उस बछड़े के बाल हैं यहाँ पर से घसीटते हुए ले गया। और अब ये हमें ये देखना पड़ेगा कि इधर ले गया है, देखिए आप ये बाल दिख रहे हैं, हम पूरे स्वच्छ अभियान में लगे हैं, कहाँ से ले गया है ये देखिए गाइस, यहाँ पर ये बाल गिरे हैं गाइस, आप पता ही नहीं चल पा रहा, क्योंकि ये पूरे नीचे पूरा जंगल है, पूरा यहाँ को सामने को जंगल है, पता नहीं कहाँ को ले गया टाइगर लेपर्ड उसे। दो तीन जगह तो हमको सबूत मिले, उसके बाद सबूत नहीं मिल पा रहे हैं। अपने घन को जंगल में कहीं हम पर ना अटैक कर दो, इसलिए हम भी घबराए हो गाइस। टाइगर उसको यहाँ ला के मार के छोड़ के गया है, और दोबारा आएगा इसको खाने के लिए। आज हमारी गाय दूध देगी या नहीं ये भी हम आपको दिखाएंगे गाइस। दोस्तों, हमारे बछड़े को आज जो है लेपर्ड ले गया, उसको अब ये गाय भी दूध देने में आनाकानी कर रही है, वो होता ही है, उनका गाय का जो है बछड़ा ही चले गया तो वो दूध देने में बहुत आनाकानी कर रही है। उसका पैर बांध के जो है दूध निकाला जा रहा है, क्योंकि दूध दे ही नहीं पा रही है। तो इस चैनल को दोस्तों इसी गम के माहौल के साथ एंड करते हैं, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में।